हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। WWE और रेसलिंग से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे YouTube चैनल SS Live TV इंडिया को सब्सक्राइब करें और पास आए बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। वीडियो को लास्ट तक देखें, बिना स्किप किए। जी हाँ दोस्तों, चार धमाकेदार चीजें जो फैंस जॉन सिना को WWE स्मैकडाउन के अगले एपिसोड में करते हुए देखना चाहेंगे। WWE स्मैकडाउन का एपिसोड खास रहने वाला है। इस एपिसोड में जॉन सिना की वापसी होगी, वो इन रिंग एक्शन में नजर आएंगे। वो केविन ओवेंस के साथ टीम बनाकर रोमन रेंज और सैमी जैन का सामना करने वाले हैं। जॉन सिना इस मैच का मुख्य आकर्षण है और वो जरूर ही शानदार प्रदर्शन करके अपने इस रिटर्न को खास बनाना चाहेंगे। इसलिए इस आर्टिकल में हम चार जबरदस्त चीज़ों को लेकर बात करेंगे जो WWE फैंस स्मैकडाउन के स्पेशल एपिसोड में जॉन सिना के वापसी पर देखना चाहेंगे। नंबर चार, WWE स्मैकडाउन में जॉन सिना का प्रोमो सेगमेंट। जी हाँ दोस्तों, जॉन सिना की वापसी का जब पहले ऐलान हुआ था तब लगा था कि वो एक प्रोमो कट करने के लिए आएंगे और फैंस को धन्यवाद कहेंगे। हालांकि जॉन सिना की रिंग में वापसी का ऐलान बाद में देखने को मिल गया, इसी कारण अब सिना शायद सीधा इन रिंग एक्शन में दिखाई देंगे। जॉन सिना यहां अपने फैंस को चौंका सकते हैं। वो स्मैकडाउन की शुरुआत प्रोमो सेगमेंट से कर सकते हैं और फैंस को धन्यवाद कह सकते हैं। इसके अलावा अगर मैच में सिना और ओवेंस का पड़ा भारी रहा है तो इसके बाद सिना प्रोमो कट करते हुए सभी का दिल जीत सकते हैं। सिना को माइक पर फैंस के लिए कुछ बातें जरूर बोलनी चाहिए। नंबर तीन, बैक स्टेज किसी सुपरस्टार के खिलाफ मैच टीज करना। जी हाँ दोस्तों, जॉन सिना WWE में आखिरी बार रॉ के एपिसोड में नजर आए थे। उन्होंने यहाँ प्रोमो कट करते हुए WWE में अपने 20 साल पूरे होने को लेकर बात की थी। हालांकि इसके पहले सिना कुछ बैक स्टेज सेगमेंट का हिस्सा बने थे। वो पूरे रोस्टर से मिले थे और सभी ने उन्हें ग्रीट किया था। बाद में एक और बैक स्टेज सेगमेंट देखने को मिला जहाँ ऑस्टिन थ्योरी ने उन्हें कंफ्रंट किया था। यहाँ से दोनों के बीच भविष्य के लिए मैच में संकेत मिल गए थे। कुछ ऐसा ही स्मैकडाउन के एपिसोड में भी देखने को मिल सकता है। ऑस्टिन थ्योरी, कैरियन क्रॉस या लॉगन पॉल बैक स्टेज सिना को कन्फ्रंट करके मैच टीज कर सकते हैं। नंबर दो, जॉन सिना का फैंस को गिफ्ट देना। जी हाँ दोस्तों, जॉन सिना हमेशा ही फैंस के लिए अच्छा करने की कोशिश करते हैं। सिना फैंस की तरफ तारीफ करते हैं और उन्हें धन्यवाद कहते हैं। बच्चों में सिना की फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है। ऐसे में सिना न्यू ईयर और क्रिसमस के खास मौक़ों पर बच्चों को गिफ्ट दे सकते हैं। वो अपने साथ ढेर सारी मर्चेंडाइज लेकर आ सकते हैं। वो इन्हें फैंस के बीच जाकर अलग अलग बच्चों को दे सकते हैं। इससे सिना को अच्छी प्रतिक्रिया मिलेगी और उनका ये पल खास रहेगा। साथ ही ये WWE का फैंस को एक सफल साल खत्म होने पर तोहफा देने का तरीका रह सकता है। पूर्व वर्ल्ड चैंपियन को ऐसा करना चाहिए। नंबर एक, जॉन सिना का रोमन रेंज पर एटीट्यूड एडजस्टमेंट लगाना। जी हाँ दोस्तों, जॉन सिना और रोमन रेंज के बीच बड़ा इतिहास रहा है। दोनों ही सुपरस्टार कई बार रिंग में आमने सामने आए हैं। रोमन ने सिना को और समरस्लैम 2021 में हराया था और इस चीज़ का बदला 16 बार के पूर्व वर्ल्ड चैंपियन लेना चाहेंगे। सिना इस मैच में रोमन रेंज की बुरी हालत करने पर ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। वो यहाँ पर रोमन रेंज पर अपने तगड़े मूव्स का इस्तेमाल कर सकते हैं और अंत में एटीट्यूड एडजस्टमेंट लगा सकते हैं। इनके इस मूव पर फैंस की शानदार प्रतिक्रिया मिलेगी। सिना को ऐसा करने पर हार का बदला लेने का मौका मिल जाएगा। जॉन को रेंज पर अपना फिनिशर लगाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, WWE और रेसलिंग से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे YouTube चैनल SS Live TV इंडिया को सब्सक्राइब करें और पास आए बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।